सकता है, तो तालियां बजाइए। हमारे आदरणीय डॉक्टर कमल देव सर को कि वो आए और हमारे जूनियर्स के वेलकम पर दो शब्द कहें। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर कमल देव सर। कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुधांशु शेखर सर का जो विद्वान है, हम लोग भी उनको सुनने के लिए लालायित रहते हैं और कुशल प्रशासक भी है यहाँ जो विभिन्न विभागों का संचालन सफलतापूर्वक हो करते हैं। तो ऐसे विद्वान सरकार और कुशल प्रशासक सरकार जो बीएड के समन्वयक भी है और विभिन्न पदों पर है और रहते हुए सफलतापूर्वक महाविद्यालय का संचालन करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं पूरे बीएड प्रभाग की ओर से। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर संगवास सर का जो विद्वान है पॉलिटिकल साइंस के हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, यहाँ आए हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर विपिन कुमार सिंह का, उन्हीं के कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम जो है ये प्रारंभ हुआ है। हम स्वागत करते हैं अपने डिपार्टमेंट के सबसे सीनियर टीचर प्रोफेसर संतोष कुमार झा सर का, जिनका जो है इस डिपार्टमेंट के को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और समय समय पर वो देते रहे हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ अपने सभी विद्वान शिक्षकों का, डिपार्टमेंट के सभी विद्वान शिक्षकों का जिनके प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हुआ है और आगे भी उनको जो है उनसे आप रूबरू होंगे। मैं स्वागत करता हूँ बीएड के सेकंड ईयर के छात्रों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है। और अंत में मैं स्वागत करता हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के टीम कॉमर्स का जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है, एक बार उनके लिए सहयोग। Member of discuss because we have direct contact with the student, with the child. So you are the member of discuss. So great responsibility on your shoulder when you are choose the profession as a teacher. So ये जो है तो जिस profession में आप आए हैं profession के लिए आपकी जिम्मेदारी जो है बहुत मानती है, बहुत जो है responsible है। छात्रों ये महाविद्यालय फारबिसगंज महाविद्यालय फारबिसगंज की स्थापना 1959 में हुई थी। फारबिसगंज महाविद्यालय फारबिसगंज की स्थापना 1959 में हुई थी। उस समय ये महाविद्यालय जो है भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर से ये जुड़ा हुआ था। उसके बाद जब 1977 में 1977 में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जब अस्तित्व में आया तो ये इससे संबंध हुआ, एफिलिएटेड हुआ फारबिसगंज महाविद्यालय फारबिसगंज। फिर जब बीएन मंडल यूनिवर्सिटी 1992 में बीएन मंडल यूनिवर्सिटी जब का स्थापना हुआ तो ये महाविद्यालय उससे उसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट में ये जो है के रूप में उससे जुड़ा 1992 में। और अंत में 2018 में जो नया यूनिवर्सिटी खुला है पूर्णिया यूनिवर्सिटी उससे जो है ये अभी जुड़ा हुआ है, उसके अंदर जो है उसकी सभाधिकारी है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट है ये 2018 से। इस महाविद्यालय ने 60 से ज्यादा वर्षों तक जो है पैसा पर तय किया है। ये 2013 में महाविद्यालय के पूर्व प्रचार डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के अथक प्रयास से बीए डिपार्टमेंट को यहाँ पर खोला गया 1913 में। पहला सत्र इसका 1913-14 2013-14 जो
है 2013 में ये डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पूर्व प्रचार के अथक प्रयास से बीए डिपार्टमेंट यहाँ खोला गया और इसका पहला सत्र 2013-14 हुआ, 100 सीट के लिए खोला गया। तब से प्रत्येक वर्ष यहाँ पर छात्रों का नामांकन होता चला है। तकरीबन 1000 के लगभग छात्रों ने यहाँ एडमिशन लिया है, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट पास आउट जो भी हुए हैं वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या बिहार सरकार के विद्यालयों में उन्होंने अपना नामांकन और उन्होंने अपना योगदान दिया, एज ए टीचर जो है योगदान दिया। यहाँ के छात्र बहुत ही मेधावी है, जो कुछ छात्र जो यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किए हैं, कुछ जो है सिविल सर्विसेज के पीटी भी निकाले हैं और मेंस का भी तैयारी ये लोग कर रहे हैं। तो छात्रों में वो जो है टैलेंट है और हमें ऐसा है कि आप लोग आए हैं सभी कनेक्टेड है क्योंकि आप लोग क्वालिफाई करके आए हैं। इसके साथ जो है यहाँ पर जो है पाकिस्तान की जो धरती है वो विद्वानों की धरती है और ये प्रख्यात है महान साहित्यकार परिश्वरनाथ रेणु के लिए, पद्मश्री परिश्वरनाथ रेणु के लिए भी ये भूमि विख्यात है। उनकी कालदेही रचना है मेला आंचल, पड़ती पड़ी कथा, कितने चौराहे, जुलूस इत्यादि बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं जो जो भारत के स्तर पर जो है वो अपना एक पहचान बनाए भी है। तो विद्वानों की धरती पर परिश्वरनाथ रेणु की धरती पर आप लोगों का पुनः मैं स्वागत करता हूं, बार बार स्वागत करता हूं, बार बार अभिनंदन करता हूं। Thank you so much, sir, for your kind words. So now let's proceed ahead. अच्छा भैया, tell me one thing. अगर कोई तुमसे कहे, life को एक sentence में describe करो, what would be your answer? Well, according to me, it is complicated. Or should I say, life is made of roses and thorns. That's true. जीवन में कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है तब जाकर सफलता मिलती है। हाँ, कितनी बार मन हारने लगता है अब नहीं होगा, पर कहते हैं ना कि सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। जी हाँ, यही तो लाइफ की फिलॉसफी है कि सच्चे मन से कर्म करते जाओ, सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। माना कि
जिज्ञासा का अर्थ होता है हिंदी में जिज्ञासा।
तो अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, जानने की भूख है, ज्ञान की प्यास है, तो फिर आप जहां भी रहेंगे वहां का माहौल रोशन कर देंगे। और शिक्षा विभाग में रहेंगे तो शिक्षा विभाग अपनी किस्मत पर मुस्कुराएगा कि इतना अच्छा शिक्षक मिला है। बशर्ते आपके अंदर का छात्र, आपके अंदर के पढ़ने की भूख वो कभी नहीं समाप्त हो, वो भूख जीवित रहे। तो ये ध्यान देना है कि नौकरी पाने के बाद भी आपके अंदर का स्टूडेंट नहीं मरे, पढ़ने की भूख रहे। दूसरी चीज कि आप लाचारी में, मजबूरी में शिक्षक नहीं बनिएगा, दूसरा काम कर लीजिएगा, बीएड कर लिया, लेकिन मजबूरी में शिक्षक नहीं बनिएगा। जो आदमी मजबूरी में शिक्षक बनता है वो शिक्षा विभाग का बेड़ा गर्क कर देता है। अगर आपके अंदर शिक्षक बनने की प्यास हो, अगर आपके अंदर शिक्षक बनने की आवाज उठती हो, अगर आपको लगता हो कि पढ़ाने से ज्यादा सुख और किसी बात में नहीं, तब जरूर शिक्षक बनिएगा। तब जानते हैं आप जो क्लास में आइएगा ना, तो मुस्कुराते हुए आएंगे। जब मुस्कुराते हुए टीचर आता है तो बच्चों के होठों पे मुस्कुराहट आती है, और शिक्षक जब चंगेज खां की तरह आता है तो बच्चे सर्द, क्लास में सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, बच्चे डर जाते हैं। इसलिए ऐसा शिक्षक बनिए जिसमें शिक्षक बनने की भूख है, और ऐसा शिक्षक जब क्लास आएगा तो मुस्कुराते हुए आएगा। बच्चों को प्यार दीजिएगा, बच्चों को सहानुभूति दीजिएगा। जिस विषय के शिक्षक बनिएगा उस विषय से नाता नहीं तोड़िएगा, खूब पढ़िएगा। पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है, आप जितना पढ़िएगा आपको लगेगा कि अरे मैं तो कुछ जानता ही नहीं, अभी और सीखना है। और तीसरी बात, आप कितने भी अच्छे टीचर हो, कितने भी विद्वान हो, कितने भी अच्छे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन आप चरित्रवान नहीं है तो आप इस धरती के बोझ। जितनी जल्दी आप उठ जाइएगा उतनी जल्दी धरती बचेगी। इसलिए दिमाग में रखिएगा कि चरित्रवान बनना है, आपका चरित्र ऐसा हो, आपका कैरेक्टर ऐसा हो जिसको देख के बच्चों में अच्छे गुण आए, बच्चों का भी कैरेक्टर बने, समाज भी आपको एक मॉडल के रूप में रखे। आपकी पोशाक, आपका उठना, आपका बैठना, आपका बोलना, आपका खाना, आपका पानी पीना, उस सब में एक ब्यूटी है, एक खूबसूरती है। आप कैसे बोलते हैं, आपका अंदाजे बयां कैसा है, आपका तर्जे बयां कैसा है। अगर आपका अंदाजे बयां दिलकश है तो वातावरण दिलकश होगा, फिजा दिलकश हो जाएगी। अगर आपका तर्जे बयां दिल शिकन है तो फिर वहां का माहौल गमगीन हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना है कि आपका जो कैरेक्टर हो वो प्रेरणादायी हो। तो शिक्षक बनने की भूख वो बाहर से तो आएगी नहीं, वो अंदर से। कैरेक्टर पर ध्यान देना है, चरित्र। आपका चरित्र अच्छा है तो हमारा समाज बनेगा, अगर आपका चरित्र बिगड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। और कोई बच्चा अगर कमजोर है क्लास में, उसको खूब प्यार दीजिए, समझाइए, सहानुभूति दीजिए, उसको डांटिए नहीं, और अपनी योग्यता से किसी को आतंकित नहीं करना है। आतंकित कि हम बहुत योग्य हैं, बड़ा बड़ा वाक्य नहीं बोलना है। दूसरी चीज कि जब आप किसी का स्वागत करें तो हिंदी में कीजिए, अंग्रेजी में मत कीजिए। यह एक नियम बना लीजिए, क्योंकि हिंदी में जो बोलेंगे या अपनी मातृभाषा में बोलेंगे तो दिल की आवाज सुनाई पड़ेगी, भाषा की दीवार टूट जाएगी, बोलने में रुकावट नहीं होगी। एकदम दिल से बोलिए और गर्व से बोलिए कि मैं हिंदी में बात करता हूं, मैं बंगला में बात करता हूं, मैं मैथिली में बात करता हूं। उसमें एक प्राइड फील कीजिए, एक गौरव की भावना फील कीजिए, उसमें कहीं कोई संकोच की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या बोलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब रह गया कि जीवन में संघर्ष होता ही है जी, संघर्ष कहाँ नहीं होता है। जीवन में अगर रेगिस्तान है तो नखलिस्तान भी तो है, धूप है तो छांव भी तो है, ये तो चलता रहता है।
जब इस जीवन में आए तो यात्रा शुरू हो गई। तुम्हारी यात्रा शुरू है, रास्ते में कंकड़ है, पत्थर है, रोड भी खराब है, चोट लगेगी, लहूलुहान होगे, मानते हैं, लेकिन यात्रा नहीं रोकना, किसी भी स्थिति में यात्रा नहीं रोकना। यात्रा रोकने का मतलब है कोई कोई स्टूडेंट आत्महत्या कर लेता है, बड़ा दुख होता है कि नया पौधा, नई पीढ़ी कोटा में आत्महत्या कर रही है। कहीं आत्महत्या, क्यों आत्महत्या करना? यात्रा है, संघर्ष है, चलेगा, कोई बात नहीं है। यात्रा नहीं रोकना, यात्रा रोक दोगे तो क्या होगा? ऊपर जाओगे, वहां से भी लौटा देगा, कहे जा तुमको इतना समय दिया था, काम दिया था, बिना पूरा किया गया, जा अब भूत प्रेत जिन्नात बन के लटकते रहो। इसलिए संघर्ष से नहीं घबराना है। दूसरा क्या कहता है, ये कभी नहीं सोचना। दूसरा कहेगा कि हम तो आपके बारे में सोचते थे बड़ा भला आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है। डांट के कहो, कौन बोला था रे कि तुम हमको अच्छा आदमी समझो? कौन बोला था हमको भला आदमी समझो? हम बोले थे कि हमको भला आदमी समझो। लोगों का काम कहते रहना, कुछ से कुछ कहेगा, तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना। लोग ऐसे तुमको ये करेंगे, डिस्करेज करेंगे, उसके डिस्करेज करने से कुछ नहीं होता है। तुम ध्यान दे, तुमको मिलेगी। अभी गीता के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी पंक्ति सुनाई, मन गदगद हो गया। और देखो आज तक ऐसा हुआ कि जब भी मैं बीएड के किसी कार्यक्रम में आया, मैं सबसे आखिर में बोलता था, पहले नहीं बोलता था, सारे लड़कों को सुनता था। सुनना अच्छा लगता है, बोलना उतना अच्छा नहीं लगता है। बोलना हमको बोझ की तरह लगता है, और सुनने में बड़ा मजा आता है। तुम्हारे एचओडी साहब सुनाएंगे, हम लास्ट तक बैठे रहते थे, तुम्हारे टीचर सुनाएंगे लास्ट तक। हमको हर लड़के का देखने का मन होता था, किसमें क्या टैलेंट है, किसमें क्या प्रतिभा है। लेकिन आज मजबूरी है, आज कॉलेज में काम है बहुत ज्यादा, इसीलिए प्रिंसिपल साहब नहीं आ पाए। इस कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर पवन कुमार मल्लिक, लेकिन इतनी व्यस्तता है जिसके कारण वो आज नहीं आ पाए। मैंने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, आग्रह किया, लेकिन नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि आप जाइए और आप 5 मिनट में आ जाइए। मैंने कहा 5 मिनट तो नहीं, लेकिन जल्दी आ जाऊंगा। इसलिए तुम्हारे एचओडी से रिक्वेस्ट किया कि आज बहुत दबाव है और जाने की इच्छा नहीं हो रही। ये मैं अपने दिल से कह रहा हूं तुम कि तुम लोगों का कार्यक्रम बिना सुने जाना एक अधूरापन जैसा महसूस करने के समान है। लेकिन जो भी मैंने सुना, जिन लड़कियों ने प्रस्तुति दी, चाहे स्वागत गान, चाहे अनाउंसिंग, मैं दिल से उनकी तारीफ करता हूं। और जो नए लड़के, मैं झूम के उल्लास के साथ, असीम खुशी के साथ, असीम शुभकामनाओं के साथ तुम सबों का स्वागत करता हूं कि बड़ा अच्छा लगे। इस कॉलेज में आना आपके लिए एक सुखद अनुभव होगा, ये निश्चित जाने। एक तो देखिए फारबिसगंज का क्लाइमेट भी बड़ा मॉडरेट है, इतना मॉडरेट क्लाइमेट, और इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार मैं फिर दिल से आप सबों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे जूनियर्स का इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स के बाद जिनका है स्थान, हाथों में जिनके फ्यूचर की कमान, जो जमाए पेरेंट्स की तरह हक, वो है हमारे रिस्पेक्टेड अध्यापक। फ्रेशर्स, हमें पता है कि आपके मन में कई सवाल होंगे हमारे फैकल्टीज को लेकर, तो आपके सारे सवालों का जवाब देने और एक एंटरटेनिंग वे में हमारे फैकल्टीज को इंट्रोड्यूस करने और हमारी तरफ से भी एक छोटा सा ट्रिब्यूट देने आ रही है सेकेंड ईयर की प्रिपेयर टीचर कोमल, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड सर, एजोनी सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ माय रिगार्डिंग आवर एजोनी सर एंड टीचर्स, सो लेट मी इंट्रोड्यूस देम इन एन इंटरव्यू। आओ मैं सर सबसे पहले
बधाई के पात्र। कहा जाता है
किसी भी देश का निर्माण उद्योगपतियों, राजनीतिज्ञों या व्यावसायिक वर्ग के द्वारा नहीं किया जाता, अभी तो देश का निर्माण प्रबुद्ध युवा पीढ़ी करती है, जिसको कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति नकार नहीं सकता। परंपरा एवं अनुभव इसके गवाह हैं। यह मात्र कल्पित स्थापना नहीं, वरन विश्व के आत्मंथन द्वारा प्राप्त अमृतमयी सच्चाई है। कहा भी गया है कि किसी भी देश को आगे ले जाने में, देश का पथ प्रदर्शन करने में शिक्षक की अद्वितीय भूमिका होती है। देश को विकास के पथ पर ले जाने में या उसे प्रलय की तरफ ले जाने में शिक्षक की अपना रोल प्ले करता है। कहने का मतलब यह है कि आपने शिक्षक बनने के रास्ते को अख्तियार किया है, और हमारी 65% से ज्यादा आबादी युवाओं की है। यह देश युवा देश है, तो युवाओं के इस देश में जब लक्ष्य को अपना मान लिया, मंजिल को पहचान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। कहने का आशय यह है कि बीएड एक सामान्य कोर्स नहीं है, यह क्या है, एक प्रशिक्षण है, एक ट्रेनिंग है। और आपका प्रशिक्षण जिस दिन आप एडमिशन यहां लेने आए थे उसी दिन से प्रारंभ हो चुका है। इसलिए आपको हर विद्यार्थी छारंभ, जो कि आज कार्यक्रम की थीम दी गई है, दीक्षारंभ या इंडक्शन प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो दीक्षारंभ इन द सेंस कि आपकी दीक्षा क्या हो रही है, आज से प्रारंभ हो रही है, और इसका सदुपयोग आपको कहा करना है। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। किसी भी देश अगर कोई भी डॉक्टर गलती करता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 100-200 लोगों को शमशान के पास विदा कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर कोई इंजीनियर गलती करेगा तो बहुत ज्यादा, एक दो बिल्डिंग गिर जाएगी, एक दो पुल गिर जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर शिक्षक गलती करता है तो उसकी गलतियां पूरे समाज में, पूरे नेशन में क्या होती है, दृष्टिगोचर होती है। तो आप जो यहां ट्रेनिंग लेंगे, जो प्रशिक्षण लेंगे, उसका उपयोग आप कहां करेंगे, जब आप किसी स्कूल में जाएंगे। आज एक लेटर निकला हुआ है शायद कि आज समस्त जिला अधिकारी सभी स्कूलों में क्या करने जाएंगे, सभी शिक्षकों को चेक करने जाएंगे, अगर कोई भी शिक्षक अनुपस्थित पाया गया तो सस्पेंशन का आर्डर कर दिया जाए। कहने का सेंस क्या है, शिक्षण कार्य अब बहुत आसान नहीं है। शिक्षण में जो जाए वह यह मान लीजिए कि हम आसानी पूर्वक अपना, हाँ लेकिन आसान भी, आसान कैसे है, किसी भी डॉक्टर के पास कोई जाता है तो क्या हंसी खुशी जाता है क्या, वहां तो रोते बिलखते लोग जाते हैं। किसी वकील के पास जाता है तो जब झगड़े हो जाते हैं, जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आवाज नहीं, जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब वकील के पास जाते हैं, जब मारपीट हो जाती है तो पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रदेश जहां पर हर व्यक्ति प्रसन्न होकर आता है, यानी कि जब आप छोटे छोटे बच्चों के बीच में जाते हैं तो आपके ऊपर कितना बोझ है, कितना पारिवारिक दायित्वों का आपको रोल प्ले करना है, ये चीज आप भूल जाते हैं। क्योंकि बच्चे को सिखाना, कहा भी गया है कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, तो जैसा शिक्षक होगा, किसी भी विद्यालय का मेरुदंड कौन होता है,
वहां का प्रधानाचार्य होता है, जैसी उसकी नियत होती है, जैसी उसकी वर्किंग स्टाइल होती है, जैसी उसने शिक्षा प्राप्त किया है, जैसे उसने कार्य किया है, उसी के अनुरूप वो अपने विद्यालय को, अपने विश्वविद्यालय को, अपनी ऑफिस को, अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को आगे ले जाता है। ये स्वयं सिद्ध है। तो कहने का मतलब आपको तमाम प्रिंसिपल से पाला पड़ेगा। तो जिस तरीके के परिवेश में आपने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ प्राप्त किया है, ज्ञानोपार्जन किया है, उसी तरीके से आप ले जाएंगे। यानी कि आपको ट्रेनिंग लेना है तो ट्रेनिंग के तरीके से लेंगे। और स्कूल को आगे ले जाने में केवल प्रिंसिपल ही रोल प्ले नहीं करता, उसमें सहयोगी कौन बनता है? सभी शिक्षक। और शिक्षक तीन शब्दों के सहयोग से मिलकर के बनता है, शिष्टता, क्षमाशीलता और कृतज्ञ निष्ठा। तो आपके पास तीनों होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शिष्टता होनी चाहिए, क्षमाशीलता होनी चाहिए और कृतज्ञ निष्ठा होनी चाहिए। जब किसी स्कूल में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में आपने शिक्षण कार्य को शिरोधार्य कर लिया, तो आप अपने आप को उसको सैलरी से मत जोड़ के देखिए। सैलरी के लिए लड़ाई करना है, प्रिंसिपल से लड़िए, वाइस चांसलर से लड़िए, मैनेजमेंट से लड़िए, जिससे लड़ना हो उससे लड़िए। लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों का, जिनको पढ़ाने का उत्तरदायित्व आपको मिलेगा, उनके साथ न्याय अन्याय मत को दे दीजिए। यह तो 10,000 रुपए मिलता है, 10,000 का काम करते ही इससे छोड़ करके काम नहीं करता। अगर इससे छोड़ करके काम करेंगे, तो यह विकासशील भारत, ये गांधी के सपनों के भारत, ये विजन 20 की संकल्पना जो थी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगी। और उसमें कौन सफर और सफर होगा? हम ही और आप सफर होंगे। हम जैसी पौध निकालेंगे, जैसा ही वृक्ष तैयार करेंगे, जिस तरीके से हम इन बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, ये बच्चे आगे चल के उसी तरीके से स्कूलों को आगे ले जाएंगे। पुरानी पीढ़ी रिटायर हो जाएगी और ये बच्चे लोग किसको ट्रेनिंग देंगे? हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को। और देश क्या होगा? लंगड़ा होगा। ये बिहार, ये जो रेलू की धरती है, क्या वह संकल्पना पूरी हो पाएगी? तो इसलिए मेरा कहना यह है, सैलरी कम है, उसके लिए आपको जो करना हो करिए, लेकिन जिस समय आप क्लासरूम में इंटर करें, उस समय ये भूल जाइए। आपका विजन क्या होना चाहिए? शिक्षण, यानी कि मिशन शिक्षण होना चाहिए, प्रोफेशन शिक्षण नहीं। अगर आपका मिशन है शिक्षण करना, कि शिक्षण कार्य में हमें इंटरेस्ट आता है, क्योंकि अभी क्रिकेट का खेल, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और हमने खुद देखा, हम अपने गांव में था, मेरे गांव में क्रिकेट खेलने हमारे परिवार के भी बच्चे जाते थे, प्लस टू, इलेवन, ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन के, एकदम यानी कि मान लीजिए कि इससे बड़ी फील्ड है, वहां कोई वृक्ष नहीं है। घर में जब वो रहते थे तो उनको एसी भी ठंडक नहीं पहुंचाती थी, लेकिन वहां दोपहर में भरी दो पानी भी, तो उनको ना वहां गर्मी लगती थी, ना पानी का बॉटल लेके जाते थे, वहां नल भी नहीं था, खेलते थे और 3-4 घंटे। तो उनको गर्मी क्यों नहीं लगती थी, उनको प्यास क्यों नहीं लगती थी? क्यों? क्योंकि उसमें उनको इंटरेस्ट आता था, उसमें उनकी रुचि जागृत हो जाती थी। और जब रुचि उनको उत्पन्न हो जाती थी, तब भूख, प्यास और गर्मी यहां पर नहीं आती थी। जब यही नहीं आती थी तो पूरे शरीर में। इसलिए अगर शिक्षण हमारा प्रोफेशन बन गया तो हम उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमने उसको मिशन बना लिया कि शिक्षण हमें करना है, अगर बीएड में आकर के आप लोग, जैसे बीएड में एडमिशन बहुत सारे लोग अपने मर्जी से लिए होंगे, बहुत सारे इसलिए लिए होंगे कि पड़ोस का बच्चा जा रहा है, रिश्तेदारों के बेटे बेटियां या फ्रेंड्स जा रहे हैं, इसलिए हमने बीएड लिया है, तो आपने गलत कर दिया है। जब आपके अंदर खुद का इंटरेस्ट हो कि हमें, क्योंकि ट्रेनिंग, कुछ शिक्षक जन्मजात होते हैं और कुछ ट्रेनिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। रूस्तो, अरस्तो, डेकार्टे, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, फिस्टे, हेगल, जेंटाइल, ये लोग शिक्षक थे। लेकिन तब ट्रेनिंग नहीं थी, शिक्षक थे लेकिन
लेकिन आज ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मान लीजिए कुछ ज्ञान आपके पास नहीं था, तो यहाँ आपको शिक्षण के गुण सिखाए जाएंगे, शिक्षण की विधा सिखाई जाएगी, शिक्षण की कला सिखाई जाएगी, शिक्षण के लिए कौशल सिखाया जाएगा। यहाँ आपको हमारे यहाँ हिंदी भी चलती है, अंग्रेजी भी चलती है, पॉलिटिकल साइंस भी चलता है, सोशल साइंस भी चलता है, उर्दू भी चलता है, लेकिन यहाँ उर्दू अंग्रेजी हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। उर्दू शिक्षण विधि, हिंदी शिक्षण विधि, अंग्रेजी मेथड, मतलब इस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो कहने का सेंस ये है कि ज्ञान आपने प्राप्त, ज्ञान आप प्राप्त करके आए हैं। मालविका मित्रम अंगे के श्लोक 16 में महाकवि कालिदास ने लिखा है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक होता है, लेकिन समाज में वही शिक्षक सिरमौर होता है जिसमें ज्ञान की दक्षता और प्रशिक्षण की क्षमता दोनों हो। ज्ञान विषय, यानी कि शिक्षक जब क्लासरूम में इंटर करे तो उसको तीन प्रकार का ज्ञान आवश्यक होता है। पहला विषय का ज्ञान, दूसरा विषय का ज्ञान, तीसरा वातावरण का ज्ञान। विषय जिसे पढ़ाना है, विषय जिसको पढ़ाना है, वातावरण किस माहौल में पढ़ाना है। हमें फारबिसगंज में पढ़ाना है कि हमें दिल्ली में पढ़ाना है या हमें बंगलौर में पढ़ाना है, तो हर जगह का वातावरण अलग होगा। तो क्लासरूम में इंटर के समय हम तीन चीजों का अगर ध्यान रख करके इंटर करते हैं तो निश्चित रूप से जब टीचर क्लास में आता है तो कुछ बच्चे भाग लेते हैं और कुछ बच्चे भाग लेते हैं। तो आप प्रयास करें कि हमारे साथ बच्चा भाग ले, भाग ना ले, मतलब पैक टू पवेलियन ना हो जाए। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने विषय को क्या करना होगा, रुचिकर बनाना होगा। जो शिक्षण विधि, यानी कि आपको चार महीने के लिए बीएड सेकेंड ईयर वाले 4 महीने के लिए और बीएड फर्स्ट ईयर वाले 4 सप्ताह के लिए यानी 1 महीने के लिए विभिन्न स्कूलों में इंटर्नशिप पे भेजे जाते हैं, वहां पर यही चीजें करनी होती है। राजेश जी का नाम अभी आ रहा था, राजेश जी हमारे कला के टीचर हैं और आपको टीएलएम बनाना बताएंगे, और सारे अभी संसाधनों के अभाव में उन्होंने ये कह दीजिए कि वित्त की समस्या के चलते उन्होंने बहुत सारे काम वित्त रहित कर दिया है। तो वित्त रहित काम कर दिया जिसमें हमारा पैसा भी खर्च न हो और हमारा काम भी हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जो टीएलएम है, जो शिक्षण सहायक सामग्री है, उसको हम बच्चों के बीच में क्यों ले जाते हैं, जिससे कि आपका विषय रुचिकर हो जाए। बच्चा उस विषय को, उस चैप्टर को, उस पाठ को, उस अंश को, उस खंड को पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगे, रुचि लेने लगे। जब बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेने लगेगा, रुचि लेने लगेगा, तो आपका पढ़ाना सार्थक होगा। इस उद्देश्य से मत जाइए कि हमने तो पढ़ा दिया, पढ़ा देना ही एनफ नहीं है। अभी तो एनफ क्या है, जो आप पढ़ाएं वो बच्चों के समझ में आ जाए। कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा सिलेबस 4 दिन में खत्म कर दिए, कोई बात नहीं। सिलेबस आप 2 महीने में के बजाय 5 महीने में खत्म करिए, लेकिन वो बच्चों के समझ में आना चाहिए। जिस उद्देश्य से जो हम समझाना चाह रहे हैं, जैसे सेल, सेल को अलग अलग विषय वाले अलग अलग चीजों में यूज करते हैं। सेल बैटरी भी है, सेल मोबाइल भी है, सेल को बहुत तरीके से लोग अपने अपने विषय में परिभाषित करते हैं। तो जिस उद्देश्य, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका विषय है, जो आप बताना चाह रहे हैं, बच्चा उसे को उसके अनुरूप सीखे और समझे, तभी आपका जो शिक्षा है वो क्या होगा, प्रभावी होगा। इसके लिए क्या करना होगा, प्रत्येक जिस तरीके से प्रकृति का हर पुष्प हर पौधा किसी न किसी औषधीय क्षमता को अपने आप में समेटे हुए है, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं होती है। ये एलोपैथिक, ये होम्योपैथिक, ये आयुर्वेदिक दवाइयां इन्हीं झाड़ फूस ये जो पेड़ पौधे हैं इन्हीं से निकलती हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। उसी तरीके से हमारे क्लास में बैठा हुआ हर छात्र किसी न किसी प्रतिभा को, किसी न किसी दक्षता को,
किसी न किसी क्षमता को अपने अंदर समेटे हुए है। हमें क्या करना है, उसको पहचानना है और पहचान के निखारना है, यानी कि संबंधित दिशा में ले जाना है। क्योंकि हाथ की पांच उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां एक काम नहीं कर सकती है। कहा भी गया है कि जहां काम अवश्य हुई कहा करे तलवार, जहां का जो काम सुई का होता है वो तलवार नहीं कर सकती है। विकास, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा रिश्ता है जो हम खुद जोड़ते हैं? जी बिल्कुल, वो रिश्ता दोस्ती का है। दोस्ती सिर्फ नाम नहीं है रिश्ते का, दोस्त नाम है एक फरिश्ते का। दोस्ती में सब बराबर होते हैं।